Hey everyone, so today we are going to learn about Constantine Herring. Herring का नाम हमने बहुत ज़्यादा जगह पढ़ा है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, मटीरिया में, बहुत जगह इनकी बातें जो इन्होंने कहा है, जिन्होंने प्रूव किया है, जैसे कि स्नेक की जो रेमेडीज़ हैं ज़्यादातर इन्होंने प्रूव करी हैं, वो सब हमने सुना है, पढ़ा है. तो हम बता सकते हैं दैट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट होम्योपैथ दैट हैज़ एवर बॉर्न. डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से, इनके वर्क्स की वजह से अमेरिका में होम्योपैथी प्रचलित हुई थी, वहाँ फेमस हुई थी होम्योपैथी. होम्योपैथी इज़ ग्रेटली इंडेप्टेड टू दिस पायनियर फॉर इट्स ग्रोथ. इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ दी है होम्योपैथी को. इनका जन्म जनवरी 1, 1800 यानी न्यू ईयर वाले दिन पैदा हुए थे ये. जनवरी 1, 1800 में इनका जन्म हुआ था एट ऑसगेथ इन सेक्सोनी इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी. ये एक रिलीजियस इन्वायरमेंट में जन्मे थे, बड़े हुए थे. 17 साल की उम्र में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्ज़िग ज्वाइन की थी, जो कि हैनिमन ने भी ज्वाइन करी थी. इनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था मेडिसिन में. ये फेवरेट स्टूडेंट थे डॉक्टर हेनरिक रॉबी के यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्ज़िग में. डॉक्टर रॉबी जो थे वो एक क्रिटिक थे हैनिमन के, और वो बहुत ही नकारते थे, गलत बोलते थे हैनिमन और होम्योपैथी के बारे में डॉक्टर रॉबी. हेरिंग ने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है 17 साल की उम्र में 1817 में स्टार्ट की थी इन द सर्जिकल एकेडमी ऑफ ड्रेसडन. नाउ हम देखेंगे कि उनका कन्वर्जन होम्योपैथी में कैसे हुआ, वो होम्योपैथ कैसे बने, क्योंकि वो तो सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहे थे. 1821 में सी बॉमगार्टनर नाम का एक पब्लिशर था जो एक बुक पब्लिश करना चाहता था अगेंस्ट होम्योपैथी. वो बुक डॉक्टर रॉबी लिखने वाले थे, और जैसे कि टाइम कम था, जल्दी से उसे पब्लिश करनी थी बुक, तो उन्होंने डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग को अपना असिस्टेंट बनाया टू राइट सच अ बुक. कॉन्स्टेंटाइन बहुत खुश थे इस वर्क को लेने के लिए, और उन्होंने प्रूव करना चाहते थे कि होम्योपैथी बेसलेस है, क्वैकरी है. कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने ये बुक लिखने के लिए और होम्योपैथी को क्वैकरी प्रूव करने के लिए होम्योपैथी के लिटरेचर को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ हेनिमन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया. ड्रग प्रूविंग मेथडोलॉजीज़, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेंशन्ड इन मटेरिया मेडिका प्योरा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा इन सब चीज़ों ने हेरिंग को. वो बहुत अच्छे साइंटिफिक पर्सनैलिटी थे, एक ट्रू साइंटिफिक पर्सनैलिटी थे, जिस वजह से उन्होंने डायरेक्टली रीड करके डायरेक्टली होम्योपैथी के अगेंस्ट लिखना नहीं शुरू करा. वो जानना चाहते थे, कंफर्म करना चाहते थे कि ट्रुथ क्या है. इसलिए उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करा. उन्होंने सिंकोना बाग वाला एक्सपेरिमेंट अपने आप के ऊपर करा. फर्दर स्टडीज़ की एक्सपेरिमेंटेशन से उन्हें पता चला कि साइंटिफिक बेसिस है होम्योपैथी का. 1824 में कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के एक फोर फिंगर पे एक वुंड हो गया था, चोट लग गई थी गहरी, जो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ऑफ मेडिसिन हील नहीं कर पा रही थी, और जो वुंड है वो गैंग्रेनस बन गया था, सड़ने लगा था, वो गैंग्रीन फॉर्मेशन उसमें स्टार्ट हो चुका था. जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स मेडिकल सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई पार्ट सड़ गया है तो उसे काटने का बोल देते थे कि इसे रिमूव ही कर दो बॉडी से. तो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम ने उन्हें एडवाइस किया कि वो जो अपना हैंड है उस पूरे हैंड को ही एम्प्यूटेट करवा लें, यानी रिमूव करवा लें, हटवा लें. जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ट्राई किया डॉक्टर कुमर से, अ डिसिपल ऑफ हेनिमन. डॉक्टर कुमर ने ट्रीट किया था हेरिंग को आर्सेनिक एल्बम से, जिसने टोटली उन्हें रिलीव कर दिया था. उनकी जो फिंगर का वुंड था वो टोटली ठीक हो गया था. इस इंसिडेंट की वजह से जो हेरिंग का बिलीफ था होम्योपैथी में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया था, बढ़ गया था. और उन्होंने जो ऑफ़र था बुक लिखने का अगेंस्ट होम्योपैथी, वो रिफ्यूज़ कर दिया था. 1826 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर. ये बुक थीसिस थी उनकी MD डिग्री की. हेरिंग ने जर्मनी छोड़ दिया था, वो वेस्ट इंडीज़ गए थे वहाँ से, और फाइनली वो आए थे फिलाडेल्फिया में ईयर 1833 में. He established a town in the Allentown, Pennsylvania, commonly known as Allenstown Academy. जब हैनिमन ने अपनी क्रॉनिक डिजीज़ थ्योरी पब्लिश करी थी, उसके बाद ही हेरिंग ने परफॉर्म किए थे अपने ऊपर, नोसोर्ट्स को उन्होंने परफॉर्म करना, फर्स्ट प्रूविंग करना स्टार्ट करा था. ये हेरिंग का ही आइडिया था कि मियाजमेटिक एजेंट्स को पोटेंटाइज रेमेडीज़ में हम कन्वर्ट कर सकें, यूज़ कर सकें.
यानी नोसोट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो हेयरिंग का था, कि जिन एजेंट से बीमारियां हो रही हैं बैक्टीरियाज से या जो भी मियाज़मेटिक एजेंट्स हैं उन्हीं को यूज़ करके रेमेडीज़ बनाना, जिन्हें नोसोट्स भी कहते हैं। द ग्रीक वर्ड नोसो इज़ अ प्रेफिक्स विच इज़ एडेड टू गिव द आइडिया ऑफ अ डिजीज इंडिकेटिंग इट्स मॉर्बिड रूट। दिस टर्म इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद अ लैटिन वर्ड नॉक्सा, द रूट ऑफ टर्म नॉक्शियस। दिस इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ पोटेंशियली डेंजरस नॉक्शियस मटीरियल्स एज अ बेसिस फॉर अ पोटेंटाइज रेमेडी। दैट इज़ वाई हेयरिंग कॉल्ड दीज रेमेडीज एज नोसोट्स। नोसोट्स वर्ड का यूज़ किया था हेयरिंग ने इन रेमेडीज के लिए, क्योंकि ये लैटिन के नॉक्सा वर्ड से निकली है जिसका मतलब नॉक्शियस मटीरियल्स होता है, डेंजरस नॉक्शियस, डेंजरस और टॉक्सिक मटीरियल्स। हेयरिंग ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल हैं होम्योपैथी को, मटीरिया मेडिका को एक्सपेंड करने के लिए। उन्होंने 7 न्यू कैटेगरीज ऑफ पोटेंटाइज रेमेडीज़ को भी ऐड किया था। हेयरिंग ने कंटिन्यू करा एक्सपेरिमेंट्स करना नोसोट्स के साथ अक्यूट एंड क्रॉनिक मियाज़ में, एंड उन्होंने दूसरे लोगों को भी इनवाइट किया प्रूविंग्स के लिए। एज उन्होंने ही स्टार्ट किया था नोसोट्स को प्रूव करना और डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेस को यूज़ करके दवाइयाँ बनाना मियाज़मेटिक एजेंट से, तो वो ही फर्स्ट थे रिकमेंड करने के लिए यूज़ ऑफ पोटेंटाइज सोराइन, सोराइनम, ग्लीट मैटर, मेडोराइनम, पेथिसाइन, ट्यूबरक्यूलिनम एंड सिफिलिनम। 1830 में हेरिंग ने प्रपोज किया द यूज़ ऑफ हाइड्रोफोबिनम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेबीज, वेरियोलिनम फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड सोराइन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इच मियाज़्म। सो बहुत ज़्यादा वर्क किया है हेरिंग ने होम्योपैथी में, होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के लिए, स्पेशली नोसोट्स में और स्नेक रेमिडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है हेरिंग ने, प्रूविंग्स की हैं नोसोट्स पर बहुत ज़्यादा। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेरिंग। हेरिंग ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कि डोमेस्टिक फिजिशियन, द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ मटीरिया मेडिका, एनालिटिक रिपर्ट्री, कंसिस्टेंट व्यू ऑन द राइज इन प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, हैनीमन्स 3 रूल्स कंसर्निंग द रैंक ऑफ सिम्टम्स। नाउ डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेयरिंग एज अ प्रूवर ही इज़ वेरी रिमार्केबल। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेयरिंग वॉज द मोस्ट एडवेंचरस होम्योपैथ। He proved most dangerous drugs like Lachesis, Lysin, etc. He was known as a daring homeopath. He also proved drugs like Calcarea os, Calcarea sulf, Crotalus horridus, Theriodunium, Colchicum, Mesarium, Sebadilla, Sabina, Platina. He proved around 72 drugs altogether. The idea of using poisons taken from insects, snakes and other venomous creature was of hearing only. The use of remedies made from miasm that are no sorts. The introduction of potentized miasm taken directly from the patient's body that are auto no sorts. The use of potentized miasmic products no sorts for the prevention of infectious diseases. That is homeoprophylaxis by nosodes. The use of homologous organs, tissues and secretions that are sarcodes. The use of chemical and nutritional element innate to the organism, chemical and elemental relationships, the use of potentized disease vectors to remove infestation, example, potentized weed seeds to get rid of weeds and insects to remove infestations that are isodes. Hering's studies on minerals and salts paved the way for Schussler's biochemical salts. Hering directed the use of diluted and dynamized homologous organs as medicines, which is called as the iso-organotherapy. According to this therapy, the diseased organs can be cured with the dynamized derivatives of the homologous healthy organs. Hering ne 72 drugs proved ki hain, unhone hi nosodes, sarcodes ka theory di thi, unhone hi iski proving start ki thi. Vaccination, prophylaxis, homeoprophylaxis, iso-organotherapy. All was done by Hering, all was started by Hering in homeopathy. Then Hering ne law of direction of cure diya tha, jise Hering's law of cure kehte hain, jo state karta hai that the cure must take place from above downwards, within outwards, from more important organ to less important organ and in the reverse order of appearance of the symptoms. Hering ne apna yogdan diya hai पूरे वर्ल्ड वाइड होम्योपैथी की डेवलपमेंट में, उन्होंने सर्विस की है।
हेरिंग चीफ एडिटर थे नॉर्थ अमेरिकन होम्योपैथिक जर्नल के, द होम्योपैथिक न्यूज़ के, द अमेरिकन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका एक्सेट्रा के। हेरिंग इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ अमेरिकन होम्योपैथी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ डॉक्टर हैनीमन मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया ऑफ USA। हेरिंग की डेथ जो है हार्ट अटैक से हुई थी ऑन 23 जून ऑफ 1880। हिज वर्क्स आर स्टिल गाइडिंग द होम्योपैथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक बेकॉन लाइट इन द जर्नी ऑफ होम्योपैथी।